हस्बैंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आईके ग्राफिक क्रिएशन, और आज मैं आपको इमेज एडिट करना सिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक इमेज ले ली है, अब मैं इसको आपको एडिट करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इमेज में जाएंगे, इमेज में जाके हमें एडजस्टमेंट में जाके फिर हम यहाँ से कलर बैलेंस में हमने जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ कलर बैलेंस पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे हम आके अपने कलर को बैलेंस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस इमेज के अंदर डार्कनेस आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करूँगी इसकी इमेज। अगर इस चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा। मैंने कलर पे इसका कर दिया, अब हम इसको ओके कर देंगे। इसके बाद फिर से हमने इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद एडजस्टमेंट फेवर जाने के बाद हम लेंगे इसकी ब्राइटनेस, बढ़ाएंगे इसकी। आप अपनी इमेज के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, जितनी ही ब्राइटनेस चाहिए थी इस इमेज की। अब हम फिर से इमेज पे गए, एडजस्टमेंट पे गए, उसके बाद हमने लेना है ह्यू कलर। इसमें भी हम अपने कलर को बैलेंस करेंगे। ये देखते हैं, मैंने इसके कलर को एडजस्ट कर लिया। इसके बाद जो ये लेयर आ रही है इमेज वाली, इसमें हम जाके ये जो सर्कल में आइकन है इस पर क्लिक करने से भी हम सेम वही टूल्स, मतलब कि यहाँ पे भी वही सब हमें टूल्स और वो मिल जाएंगी इसकी कीज इमेज एडिट करने के। जैसे कि यहाँ पे अब मैं ये लूँगी, यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि मेरी इमेज के अंदर डार्कनेस है, तो उसमें रेडिश में थोड़ा सा ऐड करूँगी। इसलिए आप अपनी मर्जी से यहाँ से कलर सिलेक्शन करने के बाद उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया। उसके बाद दोबारा से उसी सर्कल पे जाना, और इसकी हम इसमें यहाँ पे अब मैंने कर्व वाला लिया है, तो इससे हम इस इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को बैलेंस कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका। इसमें भी ओके कर दिया। अब हम दोबारा से वही सर्कल्स पे गए, और यहाँ पे हमने एक दफ़ा से फिर से इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे। ये ब्राइटनेस पे मैंने क्लिक किया और इसको एक दफ़ा से एडजस्ट कर लेंगे। हमारी इमेज एडिट हो चुकी है। अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाती हूँ, आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं दोनों इमेज में। मैं
मैं एक न्यू पेज ओपन करती हूँ, वहाँ पे आप दोनों आपको इसका डिफरेंस दिखाती हूँ। A4 साइज का मैंने पेज ओपन कर लिया। यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करके जो बिफोर की इमेज थी उसको लेगी, ड्रैग कर लिया इसको। अब मैं जो आफ्टर हमने निकाला है उसको मैं लेके जाती हूँ इसमें। ये देखें आप, ये देखें आप देख सकते हैं कि कितना क्लियरली इमेज का डिफरेंस आ रहा है बिफोर एंड आफ्टर इमेज एडिट करने के बाद। इसी तरह आप भी अपनी इमेजेस एडिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हमें साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।